Hello my dear students and welcome back again. Today I'm going to start class 8th English NCERT textbook chapter 8 and that is poem The Last Bargain. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. Someone is looking for work waiting to be hired. He strikes a bargain but thinks it worthless. He tries twice again but doesn't like either. Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before. What is the bargain and why it is the best? इस पोयम में हम पढ़ेंगे बार्गेन के बारे में. तो बार्गेन एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कि दोनों तरफ से जो पार्टीज होती है वो एक दूसरे से प्रॉमिस करती हैं कि वो एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे. और जो बार्गेन है इसमें क्या होता है कि जो एक इंसान होता है वो वर्क देखता है और जो अदर होता है वो उसको क्या करता है, हायर्ड करता है, उसे लेता है उस वर्क के लिए. तो जो उसमें बागिन है वो क्या करता है, एक मैन है वो स्ट्राइक करता है लेकिन उसे लगता है कि ये क्या वर्थलेस है. तो वो ट्राई करता है दो बार लेकिन उसको फिर से लगता है कि ये वर्थलेस है, वो सेटिस्फाइड नहीं होता है. और लास्ट में जो उसे हायर करता है वो उससे सेटिस्फाइड होता है और बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है जो उससे पहले नहीं था. तो अब हमें इस पोयम में देखना है कि वो लास्ट बागिन क्या है और वो क्यों बेस्ट है. Come and hire me, I cried while in the morning. I was walking on the stone paved road. Sword in the hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught and he went away in his chariot. तो क्या होता है, एक मैन है, एक बार्गेन है, वो चलता रहता है पावर रोड स्टोन में और चिल्लाता रहता है मॉर्निंग के टाइम पे कि मुझे हायर कर लो. तो जो एक किंग होता है वो अपने चैरियट से आता है, उसके आगे अपना हाथ बढ़ाता है और अपना हाथ बढ़ा के कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खरीदूंगा, मैं तुम्हें हायर करूंगा अपनी पावर से. और किंग के पास क्या होती है, बहुत सारी पावर होती है ना, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पावर से हायर करूंगा. लेकिन जो बागिन होता है वो सोचता है कि जो किंग की जो पावर है वो तो काउंटेड है और कुछ भी नहीं है, एक टाइम पे इसकी भी पावर क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. और उसकी पावर तो तभी तक है जब तक वो क्या है, राजा है, यानी कि वो लाइफ टाइम तो उसको हायर नहीं कर सकता. तो क्या करता है, जो उसका ऑफर होता है उसको डिक्लाइन कर लेता है और जो किंग होता है वो वापस अपने चैरियट पे चला जाता है. इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस स्टूड विद द शट डोर्स. आई वॉन्डर्स अलॉन्ग द क्रूक लेन एंड ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड. ही पॉन्डर्ड एंड सेड, आई विल हायर यू विद माई मनी. He weighed his coins one by one, but I turned away. उसके बाद क्या होता है, जब हीट का टाइम हो जाता है, जब मिड डे होता है, बहुत ज़्यादा सूरज की जो सनलाइट्स होती है बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, तो लोग क्या करते हैं, अपने जो डोर्स हैं उसको क्लोज करते हैं. तो वो देखता है, जब वो जाता है क्रूक लेन में तो वहाँ पर एक ओल्ड मैन है, वो आता है, उसके बैग में बहुत सारा क्या होता है, गोल्ड होता है. तो उसके पास जाके कहता है कि मैं तुम्हें हायर करूंगा अपने मनी से. और वो क्या करता है, जो उसके पास गोल्ड होता है, उसके जो कॉइन्स होते हैं गोल्ड के, वो एक बार क्या करता है, उनके वन बाय वन उनके जो वेट होते हैं उसको उनको गिनाना शुरू करता है. लेकिन जो बार्गेन होता है उसे उसके उन क्वाइन में या उसके जो गोल्ड है उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, इसलिए वो उसकी तरफ नहीं देखता है, वहाँ से अपना फेस टर्न बैक कर लेता है. इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हिज वॉज ऑल अ फ्लावर. द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, आई विल हायर यू विद अ स्माइल. हर स्माइल पेल एंड मेल्टेड इन टू टीयर्स एंड सी वेंट बैक अलोन इन टू द डार्क. तो इसके बाद क्या होता है कि एक ब्यूटीफुल जो गर्ल होती है वो फ्लावर बैट की बीच से आती है शाम के टाइम पे, और उसका कलर बहुत ज़्यादा फेयर होता है, उसकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें हायर करूँगी किससे, अपनी स्माइल से. तो वो जो बागिन होता है वो सोचता है कि इसकी स्माइल कभी भी क्या हो सकती है, फेडअप हो सकती है, ये कभी भी रो सकती है, फिर इसकी स्माइल क्या हो जाएगी, गुम हो जाएगी. तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे पास नहीं आना है. अब वो उसके ऑफर को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर लेता है. उसके बाद जो वो ब्यूटीफुल गर्ल होती है उसकी स्माइल मेंटेन हो जाती है टीयर्स में, और फिर से कहाँ चले जाती है, अकेले डार्क में चली जाती है. द सन ग्लिस्टन ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली. अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सेड, आई हायर यू विद नथिंग. फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन द चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन. तो क्या होता है, उसके बाद जब सूरज के होता है डूबने को होता है, तो वो देखता है कि सैंड के टाइम पे जो सैंड है शी पे, तो वहाँ पर क्या होता है, चाइल्ड है वो शेल्स के साथ प्ले करता है, संग के साथ खेलता है,
और वो क्या करता है, अपना सर उठाता है, उसको देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें हायर करूँगा लेकिन मैं उसके बदले तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। तो जो बागिन होता है वो क्या करता है, तुरंत हाँ कर देता है और कहता है कि आज से आप मेरे क्या हो, मास्टर हो। बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि जो चाइल्ड होता है वो उसे कुछ भी पे बैक नहीं करता है, तो वो सोचता है कि मैं क्या हूँ, एक फ्री मैन हूँ। उस टाइम पे अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या समझता है, इंडिपेंडेंट समझता है। और इससे पहले जो दो उसको दो तीन ऑफर आए थे तो उसमें क्या कर रहा था, जो किंग था वो उसे किससे खरीद रहा था, अपनी पावर से। यानी कि अगर जो बागेन है अगर वो किंग के लिए कुछ करेगा तो किंग उसे क्या देगा, अपनी पावर देगा, तो वो भी क्या उस पर इंटरडिपेंडेंट है। सेकंड जो ओल्ड मैन था वो किससे दे रहा था, अपनी गोल्ड से। और जो थर्ड है जो ब्यूटीफुल गर्ल थी वो उसे किससे हायर करी थी, अपनी स्माइल से। लेकिन जो ये चाइल्ड है ये इसको हायर तो कर रहा था लेकिन उसके बदले कुछ नहीं दे रहा था। और जो बागेन था वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे ये फील होता है कि उस टाइम पर वो क्या है, उसके बाद भी वो क्या होगा, एक फ्री मैन होगा। एंड दिस पोएम इज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड एंजॉय दिस पोएम वेरी वेल। थैंक यू सो मच।